क्या पढ़ रहे थे? गुरु जी मैं पढ़ा चौहान वंश। चौहान वंश में सबसे पहले जो यानी चौहानों का संस्थापक था वो कौन था? गुरु जी वो तो हो वासुदेव चौहान। ठीक है, वासुदेव के बाद राजा कौन बना? अब मेन जो गोवक वगैरह बने, लेकिन मैं मेन राजा की बात करूं, विग्रहराज। विग्रहराज के बाद राजा आया जिसका नाम था अजयराज। अजयराज का समय चौहानों का निर्माण काल शुरू होता है। ये सभी कुछ बात की थी अपनों ने पिछले भाग में। अजयराज के बाद जिको राज जो आवे बी को नाम है अर्णोराज। इसको अन्नाजी भी कहते हैं। और अर्णोराज के बाद आता है शासक जिसका नाम है विग्रहराज। तो देख लिया सारों पहला देखा, बात करा अर्णोराज की। बहुत शानदार राजा था, बहुत उत्तम राजा था। अर्णोराज का एक उपनाम है, इसे अन्नाजी चौहान भी कहते हैं। टाइम पीरियड याद कर लियो हो तो, बाकी कोई जरूरी है कोनी। 1133 से 1150। ठीक ठीक है कि देखो, अर्णोराज जब राजा बना, इसके समय बार बार आक्रमण हो रहे थे तुर्कों के। किसके आक्रमण हो रहे थे? तुर्कों के। इसने क्या किया, ये परेशान हो गया। लोगों ने कहा भाई साहब इतने आक्रमण हो रहे हैं, कोई समाधान करो इन तुर्कों का। तो कहा चलो अब की बार आने दो। तब कहते हैं तुर्कों ने हमला किया 1137 में। कब किया? 1137 में। अजमेर के अंदर एक पहाड़ है जिसका नाम है तारागढ़। के नाम है तारागढ़। और एक और पहाड़ है अजमेर के अंदर जी को नाम है नाग पहाड़। के नाम है नाग पहाड़। वही आधी आधी रात नाग पहाड़। तो कहते हैं उस समय नागपाड़ से एक नदी निकला करती थी जिसका नाम था चंद्रा। ये राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, चंद्रा या बांडी, जिन्हें वर्तमान में लूणी नदी कह रहे, लूणी नदी। अब क्या कर रहे हो इन्हें? अर्णोराज ने तुर्कों को ले लिया यहां, इन दोनों पहाड़ों के बीच में लगे साड़ा ने टिका के बांगया, बांग के काट दिया, मार दिया जानो। अब खून यहां, रक्त बदबू बांस मारे दूर दूर तक। अब के करियो लोग परेशान, लोग साहब की कर दियो थन, तो मैं भगवान को क्यों थे काट पे फाड़ तीड़ कर दिया, संदेवल बन गया थे। तो तब इसने कहा चलो अपने यूं करते हैं, इस नदी का पानी लेकर आते हैं, इनको दिला ये खून जो ये धो दें खून ने। तब नदी का पानी लेकर आए तो ये खून कहते हैं यहाँ धो दिया, धो दिया। तब क्या कहते हैं वो खून आगे गया तो कहते हैं इस पानी की भी कुछ मतलब व्यवस्था बनानी होगी। तब कहते हैं यहाँ स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर एक झील बना दी, और इस झील का नाम क्या था? अन्ना सागर झील। अर्णोराज ने किस झील का निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील। स्थानीय लोगों के सहयोग से तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण हुआ? अन्ना सागर झील का। ठीक है, इसी झील के पास यहीं पर है एक बाग जी को नाम है दौलत बाग। इसको साई बाग भी कहते हैं। आठा कहानी की हुई ये दौलत बाग जो साई बाग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बाग बनवाया था जहांगीर ने। किसने बनवाया? जहांगीर। जहांगीर को बचपन को नाम के हो, बचपन को नाम गुरुजी सलीम। ये भी इतिहास में एक तरह से वो ही एक लफड़ो ही हो का गुरु जी किया। पहले तो भाई साहब का लफड़ा था अनारकली के साथ, छोड़ छाड़ के अपनी सलीम की गली अनारकली। हाँ भाई अनारकली डिस्को गई अनारकली। अब देखो ये जहांगीर को एक दिन अकबर का बेटा बाजारों सामान ले गया, मारी बुलट का किक और रवाना। सामान लेने गया तब कहते हैं इसको रास्ता में दी गई अनारकली, तो भाईडो अनारकली के गेल गेल हो गयो। अब कोई काम भेजता अकबर, जहां इसको अनारकली दिखी उसके पीछे पीछे, जहां अनारकली दिखी उसके पीछे पीछे। अकबर माथा पात रखे रोयो रे बेटी का बाप के जाम्यो, एक जाम्यो वो इसो। तब कहते हैं अकबर ने परेशान होकर अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। अब कर जहांगीर की एक रे बाइडो, तो थोड़ा दिन तो रोयो रूम में रियो, बैठो वापड़ो खानो पीनो छोड़ दियो, उदास रियो। बाद में क्या करियो,
एक और नई और की परी मिल गई। गुरु जी कौन? मैरूनिसा। आ कौन ही गुरु जी, बतावांगा। देखो मेहरुनिसा कहते हैं, देखो इतिहास में आता बहुत बड़ी स्टोरी है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊं। जहांगीर आक्रमण करने गया, वहां पर उस राजा को राया, राजा को रहने के बाद उसकी दासी थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ने कहा आ जा। मेहरुनिसा को इसने देखा नहीं था, एक बार अनदेखा कर दिया था। इसकी विधवा माँ थी जहांगीर की, उसके पास छोड़ दिया, कह तू मेरी माँ की सेवा कर। इसको देखा नहीं जहांगीर ने अभी तक। फिर कहते हैं एक दिन नवरोज के त्यौहार, नवरोज नव वर्ष का त्यौहार होता है मुसलमानों में, ये बलवन आया था, उसने शुरू किया था इतिहास में। जहांगीर नवरोज के त्यौहार पर अपनी माताओं मिलन गयो, तब देखो कि न मेहरुनिसा ने देखता ही ओ तो गाना गाओ लगो, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। कौन? जहांगीर। और मेहरुनिसा ने कहा जानू आ जा, अब तेरी माँ का जगह कौन, मेरे दिल में जगह तेरे लिए। तो जहांगीर यहां से ले गया मेहरुनिसा को, और इसको ले जाकर नाम निकाल दिया अलग अलग। गुरुजी के नूरी, नूर महल, नूर जहां, आई है नूर जहां। नाम सुना है क्या? नूर जहां है ना, ये वही है नूर जहां। नूर का अर्थ होता है सुंदर, जहां का अर्थ होता है संसार। संसार में साव सुनी तू ही है, और जहांगीर के तो आबादी ने संसार की रोशनी है, तू ट्यूबलाइट है, अगर तू ना है तो संसार में अंधेरो अंधेरो है। ये उपाधि देता था कौन इसको? जहांगीर। तब क्यों नूर जहां की माँ का क्या नाम था? नूर जहां की माँ को नाम हो असमत बेगम और पिताजी को नाम हो ग्यास बेग। कहते हैं असमत बेगम एक दिन आई मिलन जहांगीरों, और बैठता ही जहांगीर कन बेहोश होगी, का बदबू मारा रहे जहांगीर, बांस मार रहे हो तू तो गंदो, मेरी बेटी किया रहे सारा दिन तेरे कन। परेशान होकर असमत बेगम गई इस दौलत बाग में, यहां से गुलाब की पत्तियां तोड़ी, और पत्तियां तोड़कर इसने आविष्कार किया किसका? इत्र। अपा लगावा नहीं आजकल डीओ, वो आविष्कार कर दो असमत बेगम ने। भारत में सबसे पहले जो आविष्कार इत्र का किया था वो किसने किया था? असमत बेगम की माताई नूर जगह की। ठीक है, इतो समझ में आ गयो। तो अन्ना सागर देखो, जिला अभी पढ़ लेंगे, जिला में थाना पढ़ाई दी है मैं अन्ना सागर, बाकी थोड़ी सी बातें वो देख लियो। ठीक है, अन्ना राज जी एक तो के काम करा दियो, अन्ना सागर झील। ठीक है, वो समझ में आ गयो थारे। अब देखो अन्ना सागर झील बनवा दी, और के काम करा इस अर्नो राज ने? पुष्कर झील के पास एक मंदिर बनाया जिसका नाम है बर्राह मंदिर। बर्राह मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? अर्नोराज में। कहते हैं इस बर्राह मंदिर के अंदर जो विष्णु की मूर्ति थी, किसने? विष्णु की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फिकवा दिया। जहांगीर ने क्या कर दी उस मूर्ति को? पानी में फिकवा दी। किसकी? बर्राह मंदिर। ये कहां है? अजमेर में पुष्कर झील के पास। और अर्नोराज ने के काम कराया गुरु जी? अर्नोराज के दो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि जीव, एक को नाम हो धर्म घोष और एक को नाम तो देखा, एक का नाम तो था धर्म घोष और दूसरे का नाम था देव बोध। क्या नाम था? देव बोध। तो ये दो दरबारी कविया कहते हैं कि इस धर्म घोष के कहने पर इसने पशु बलि पर भी के करी रोक लगाई। अब देखा गई बात, उल्लेख मिलता है कि 1134 में, कब? 1134 में। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा अपने को। कर दूंगे आ लो वो कर दियो। बात है कब की? 1134 की। ये रहा अपना प्यारा सा राजस्थान, और राजस्थान में अपने अजमेर को जी को राज्य है बी को नाम है के भाई अर्नोराज। इसके समय गुजरात का राजा था जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जय सिंह सिद्धराज। कहते हैं 1134 में अर्नोराज ने आक्रमण किया जय सिंह सिद्धराज।
इसको यहां पर परास्त कर दिया। परास्त कर दिया तो कोई कौन दिखियो, इसकी पुत्री थी एक जिसका नाम था कांचन देवी। बस आई दिखी और बहुत सोनी बैठी, ना धो के बढ़िया शैम्पू वैम्पू करके बैठी। अरनोराज देखते हैं प्रेम कर लागो। अरनोराज को प्रेम हो गया किससे, कांचन देवी से। अब प्रेम समझो किनके, थे टाबरों को प्रेम प्रेम हो एक तरह। जो बालिका बारहवीं के बाद प्रेम में हो जाती है सफल, वो बारहवीं के बाद पटवारनी बन जाती है। और जो बालक बारहवीं के बाद प्रेम में हो जाते हैं सफल, वो लड़की के घर लेके जाते हैं बारात। तो ये होते हैं। अब देखो अरनोराज को प्रेम हो गया कांचन देवी से, तब कहते हैं इन दोनों का विवाह हो गया। कांचन देवी का विवाह हो गया किसके साथ है, अरनोराज के साथ। इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम था सोमेश्वर। ये वही सोमेश्वर है मेरा भाई जो पृथ्वीराज का पिता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय संयोगिता वाला है या नहीं है, ये उसका क्या है, पिता है सोमेश्वर। तो ओ कहानी समझ में आई के थाने। अब क्या बापू, अब इसका जो पुत्र था ना अरनोराज का, पहली वाइफ को जो पुत्र हो, कब बापू काम को कोनी, बापू कदे कांचन देवी सा विवाह कराए, कदे क्यों प्रेम में मोहते करे, तो के करा आप बापू जी को नाक को लगा दिया, नाक को समझोगे। हाँ तब कहते हैं अरनोराज की जो हत्या है, हत्या वो इसके पुत्र ने कर दी। और इसके पुत्र का नाम था जगदेव। क्या नाम था, जगदेव। कद करी गुरु जी 1150 में। इसलिए बाप को मारने वाला कहलाता है पितरहंता, यानी पिता को मारने वाला क्या कहलाता है, पितरहंता। तो चौहानों का जो पितरहंता है वो कौन है, वो है जगदेव। कौन है, जगदेव। अब थे कहो हुआ गुरु जी में इतिहास पढ़े हो तो आगे आपने नाम लिखाया है विग्रहराज, और विग्रहराज का इतिहास तो शुरू होता है 1153 से लेकर 1163। इसका तो 50 खत्म हो गया, 3 साल बाकी के कहाँ गए। तब कहते हैं मैं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बता रहा हूँ आपको, इतिहासकारों ने पिरोया इधर विधर देखा, कहा भाई 3 साल कहाँ गए। तब कहते हैं इसमें इनको पता लगा बाद में कि भाई राजपूतों में एक परंपरा है, जो बेटा पिता को मार दे उसका इतिहास बताया नहीं जाता, इतिहास बताया नहीं जाता उसका। तब कहते हैं वो 3 साल जो गायब हुआ, कहते हैं हो सकता है कि यहाँ जगदेव ने राज किया होगा 3 साल, ये बात आती है। चलो देख लें थोड़ा सा। चौहानों का पितर अंता जगदेव, मेवाड़ का उदा, उदा है उदाकरण भी कहते हैं उसे, उदयकरण भी कहते हैं। और मारवाड़ का मालदेव, गुर्जर प्रतिहार का मिहिर भोज, ये चौहानों के ये पितर अंता है अलग अलग। अरनोराज की बात ही ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा थारे अरनोराज बढ़िया तरिया समझ आ गयो। आगे चला अब पढ़ांगा विग्रहराज, आसान है बिल्कुल। अरे चौहान तो एक सुपर हिट जी फिल्म हुआ नहीं, भी आ गया सुपर हिट, बहुत तकड़ो इतिहास है। क्लास में पढ़ावा तो बी के तो कहने की है को नहीं। चलो देखो अब राजो आ गयो विग्रहराज, बहुत तकड़ा राजा, तकड़ो केस कहाँ पर, बहुत ठाडो राजा हो विग्रहराज। और राजस्थान, और आज राजस्थान का जो अपना राजा है वो कौन है, विग्रहराज। चौहानों का राजा कौन है भाई, विग्रहराज। विग्रहराज का टाइम पीरियड 1153-63। विग्रहराज के उपनाम है, इसकी उपाधि थी, इसे कहते हैं कवि बंधु या कवि बंधव, कटी बंधव, ये इसके उपनाम है। बहुत बड़ा विद्वान था भाई, किलहोर ने कहा था, किसने, किलहोर ने कहा भाई साहब ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा बंदा है जो कालिदास की ओर करता है। अब कालिदास जानोगे कौन है, अलग से गुप्तकालीन विद्वान था, इसका अलग से पार्ट लूंगा कालिदास का मैं, हो सकता है क्या पता अगला भाग कालिदास को ले आपा। तो देखो कवि बांधव कटी बंधव विग्रहराज की उपाधि थी। अब कवि बंधव क्यों कहा जाता, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करता था, सुनाऊं क्या एक आधी। हाँ गुरु जी सुना। देखो आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुम्हें हाथ लगाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुम्हें हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं कि
तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। वाह 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 वाह, ओसम, बढ़िया करा। चलो देखो, एक कवि बंदव कट्टी बंदव इसकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं किया करता था। इस विग्रहराज ने एक नाटक लिखा था, इस नाटक का नाम था हरकेली नाटक। कौन सा नाटक लिखा? हरकेली। हरकेली जो नाटक है ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हरकेली नाटक में सर क्या है, इस नाटक में एक तो अर्जुन है और एक भगवान शिव है। भगवान जो शिव है वो किरात के भेष में है। किरात कहते हैं शिकारी को। इनके बीच में दोनों के संवाद है। कैसे? महाभारत युद्ध के पहले की बात है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि इसमें अनेक योद्धा भाग लेंगे। तब कहते हैं, और उनके दिव्यास्त्र थे, तो कहते हैं अर्जुन तेरे पास भी दिव्यास्त्र होना जरूरी है, तो भगवान शिव की तपस्या कर, शिव को प्रसन्न कर, वो आपको दे सकते हैं दिव्यास्त्र। तब कहते हैं पेड़ के नीचे अर्जुन ने तपस्या शुरू की, तब भगवान शिव किरात के भेष में आए, यानी शिकारी के भेष में आए, और कहते हैं शिव ने एक जानवर भेजा अर्जुन की ओर, तो कहते हैं अर्जुन की तपस्या भंग होगी। अर्जुन ने क्या किया, वो तीर निकाल कर मारा उस जानवर के, इधर से तीर मारा अर्जुन ने, उधर से मारा शिव ने। तब कहते हैं दोनों के बीच विवाद हो गया। अर्जुन कहता मेरा तीर लगा, ये जानवर मेरा है। शिव ने कहा मेरा तीर लगा, ये जानवर मेरा है। तब कहता चल इसका निर्णय अपने युद्ध करते हैं, दोनों जो युद्ध में जीता उसका ही जानवर होगा। तब कहते हैं दोनों ने युद्ध किया, कहते हैं शिव ने यहाँ पर अर्जुन को हरा दिया। तब अर्जुन ने एक बात की, इस संसार में मुझे हराने वाले केवल तीन या चार व्यक्ति हैं। एक तो है द्रोणाचार्य, वो आप हो नहीं, अश्वत्थामा वो भी आप नहीं हो, विषमपिता वो भी नहीं हो, अब बचा शिवजी, तो आप शिव हो। ये कह दिया किसको, अर्जुन को। तो ऐसे कहते हैं इनके बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है इस हरकेली नाटक की। हरकेली नाटक की कुछ लाइनें इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की कवर पर भी हैं, और कुछ लाइनें जो हैं वो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर भी है। क्या था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कैसे बना, बी की बात करा। देखो, कर दो साहब, हाँ गुरु जी कर दो। तो कवि बांधव कट्टी बांधव उपाधि हरकेली नाटक लिखो। अब देखो, इस विग्रह राज, ये चतुर्थ है विग्रह राज, इसको विशल देव भी कहते हैं, आया नहीं है। अब देखो, अपा विग्रह राज पड़ा, और विग्रह राज ये कौन सा है, विग्रह राज चतुर्थ, वो दूसरा हुआ था इतिहास में, एक पहला आया था, इसे विशल देव भी कहते हैं। अब देखो, विग्रह राज इतना दांसू केस कांपा, इतो तकड़ो राजा हो, इसने देखो कहां कहां तक लोगों को हराया था, यानी इसका समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी गोल्डन पीरियड क्यों माना जाता है वो देखो। अभी तक यहां का ये राजा है, इसने यहां तक यानी गजनी राजा तक को हराया था। गुरुजी कौन था गजनी का शासक था, खुसरव शाह, खुसरव शाह। कहते हैं नाडोल के यहां कुंतपाल तक को हराया इसने, किसको, कुंतपाल, और इसने यहां अधिकार किया था किस पर, दिल्ली पर। दिल्ली का पर अधिकार करने वाला राजस्थान का जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, वो था अर्न विग्रह राज चतुर्थ। कब किया अधिकार, 1157 में। अब देखो, ये पता कहां लगता है कि सर इसने दिल्ली पर भी अधिकार किया था, तो कहते हैं यहां पर एक स्तंभ लेख मिला है जिसका नाम है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख, इस शिवालिक स्तंभ लेख में इस विग्रह राज को कहा गया है विष्णु का अवतार। क्या बताया गया है, विष्णु का अवतार। अब यहां से पता लगा कि इसने दिल्ली पर भी अधिकार किया था। देखो भाई, प्राचीन समय में जिसके अंडर में दिल्ली हुआ था वो सबसे बड़ा राजा होता था। अब इसके अंडर में क्या है, दिल्ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार एकमात्र इतिहास में राजस्थान भी भारत की राजधानी रही है, वो किसके समय रही है, वो विग्रह राज, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जबकि ये रह कहां रहा है, अजमेर। तो इसके समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो अजमेर थी। तो एकमात्र राजस्थान की जो राजधानी अजमेर रही है, भारत की राजधानी अजमेर रही है, वो किसके समय रही है,
वो रही है विग्रह राज चतुर्थ, इसे विशलदेव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कितो मतलब तकड़ो राजा हो, कितो शक्तिशाली राजा हो। इसने क्या किया, अजमेर में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाई। ये संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था कंठाभरण पाठशाला। कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी। अब क्या किया, कंठाभरण पाठशाला का इसने जब निर्माण करवाया तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आक्रमण किया गोरी ने। गोरी के साथ उसका दास आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये ऐसा सा नाम है इनका, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर, किस पाठशाला को तुड़वाकर, यहाँ एक मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद का नाम रखा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन को की है वो झोपड़ो, झोपड़ा देख रहे थे झोपड़ा में गेड़ा हो के हाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब अलग अलग मान्यता मिलती है, कहते हैं कोई तो कहता है कि ढाई दिन में तैयार हुआ था बनकर इसलिए ढाई दिन का नाम रख दिया। कोई कहते हैं इनका एक पंजाब सा है पीर है, पंजाब सा है पीर है जिसका कहते हैं ढाई दिन का मेला लगता है इसलिए इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया ढाई दिन का झोपड़ा। अब कहते हैं अलग 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 मत सभी अलग अलग अपने बता रहे हैं। इसका जो वास्तुकार था ढाई दिन का झोपड़े का उसका नाम था अबू बकर। इसका जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था, अबू बकर। अबू बकर इसका वास्तु, कर्नल टोड का तो नाम सुना होगा। कर्नल टोड ने कहा था कि मैंने इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत आज तक देखी कोनी, और यही प्राचीन कह दिया तो यही राजस्थान की क्या थी भाई, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और ढाई दिन को देखो झोपड़ो यानी हाँ है राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तो गुरु जी भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है, भारत की प्रथम जो मस्जिद है उसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ये केरल में है जो बनी थी 629 में। ठीक है, तो ओ हो ढाई दिन को झोपड़ो। हरकेली जो नाटक मैंने बताया था उसकी कुछ लाइनें यहाँ ढाई दिन के झोपड़े पर है और कुछ ब्रिस्टल इंग्लैंड में अपने राजा राम मोहन वही है जो सती प्रथा पर रोक 1829 विलियम बेंटिंक का सहयोग लेकर सबसे पहले किस रियासत पर, बूंदी रियासत पर। ठीक है, तो अब और थोड़ी सी बात करा आप विग्रह राज की। तो देखो विग्रह राज अच्छा है भाई राजा, थोड़ा सो है इतिहास पढ़ना रो तो है ही। विग्रह राज की आप और बात देखा, विग्रह राज ने टोंक में, कहा टोंक में इसने क्या किया, बनास नदी पर, बनास नदी पर एक बांध बनवाया और इस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है, विसलपुर बांध। ठीक है, तो थोड़ा सो याद कर लियो, टोंक में बनास नदी पर बांध बनवाया कौन सा, बिसलपुर बांध। किन है, विग्रहराज। विग्रहराज का दो दरबारी कवि अब बहुत बड़ा विद्वान आ, उन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे। पहला मैंने को नाम बताओ कि है, गुरुजी इसका नाम तो विग्रहराज है और दूसरा नाम क्या है, दूसरो गुरुजी इको नाम है विसलदेव। ध्यान से सुनना इस बात को, एक तो है विग्रहराज, विग्रहराज से पहले लगा दो ललित, क्या बन गया ललित विग्रहराज, और विसलदेव के बाद लगा दो रासो, क्या बन गया विसलदेव रासो। तो ललित विग्रह जो लिखा था वो लिखा था सोमदेव ने, जबकि विसलदेव जो रासो वो लिखा था नरपति नाले ने। गुरुजी इसमें क्या है, इसने स्विशल देव में तो उड़ीसा विजय वगैरह की भोज की पुत्री वगैरह प्रेम प्रूम को संवाद है और उड़ीसा विजय का भी उल्लेख है कि उड़ीसा में विजय की थी किसने, विग्रहराज ने। तो ललित विग्रह में क्या है, ललित विग्रह में इंद्रपुरी की कोई राजकुमारी थी उसके प्रेम संवाद के बारे में है विग्रहराज का। तो अभी क्लास में बताना ऋषि बात है, ठीक है, एग्जाम में कोई को नहीं सीधा पूछा को ललित विग्रहराज किसने लिखा, सोमदेव ने, नरपति नाले, विसलदेव रासो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
साहित्य से आपका क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, मतलब कोई रोकेगा ही नहीं साहित्य तो। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप साहित्य ढंग से पढ़ लेना, कोई भी ग्रंथ है कोई भी है वो सारे ढंग से याद कर लेना, ठीक है।